भाई रायपुर के अभनपुर में शनिवार को चलती बस में अचानक से आग लग गई। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं कि कैसे जो है बस में अचानक से आग लगने की घटना सामने आई। और जैसे ही आग लगी, आग लगते ही बस यात्री दरवाजों और खिड़कियों से जान बचाने के लिए कूदते हुए भी नजर आए हैं। देख सकते हैं अफरा तफरी तुरंत मच जाती है जैसे ही आग लगती है, और इस घटना का CCTV भी सामने आया। आप देख पाएंगे कि आग बस के सामने वाले हिस्से में सबसे पहले लगी। धुआं बस के अंदर फैला तो महिलाएं और दूसरे यात्री खिड़कियों से कूदने लगे, क्योंकि सबसे पहले अगले हिस्से में आग लगी थी और वहीं से तो दरवाज़ा होता है। तो ऐसे में बड़ा घबराहट यात्रियों में मच गई कि उतरे तो कहां से उतरे, इसलिए खिड़कियों से उतरने शुरू हो गए। दरवाजे से भी लोग जान बचाने के लिए भागे हैं। कई लोगों को धुएं की वजह से उल्टी की शिकायत हुई, घबराहट हो गई। बताया जा रहा है कि ये आग जो है AC पाइप के फट जाने की वजह से लगी, भीषण गर्मी है और इसकी वजह से एयर कंडीशनर जो है बसों में भी जो लगा रहता है वो अपने फुल स्पीड में चलता है, और ऐसे में AC की पाइप फटने की वजह से आग लगना बताया गया। और दुर्ग से खबर है, यहां पर जिला अस्पताल में खड़ी एक एम्बुलेंस में आग लग गई। आग लगने से एम्बुलेंस पूरी तरह से खाक हो गई। एम्बुलेंस में आग लगने की खबर फायर ब्रिगेड को दी गई थी और इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग को बुझाया गया। जब तक आग बुझाई गई गाड़ी पूरी तरह से जल गई। और अब आपको एक बार फिर से खबर बताते हैं, बिलासपुर से ये फिर से खबर बता रहे हैं। हाईवा ने मिनी ट्रक को टक्कर मार दी थी, इसमें 30 लोग सवार थे। मिनी ट्रक को टक्कर मारी, मिनी ट्रक में सवार 25 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से जो घायल हुए हैं ऐसे 20 लोग बताए जाते हैं जिनको सिम्स रेफर कर दिया गया। बाकी घायल रतनपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराए गए हैं। रतनपुर और बेलगहना सड़क पर यह दुर्घटना पेश आई थी। इधर बालोद के काम रौद गांव में दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में चोरी हुई है और इसकी CCTV तस्वीरें सामने आई हैं। चोर मंदिर में आता है और मूर्ति के ऊपर से चांदी का मुकुट निकाल लेता है, साथ ही नकदी भी चुराता है। गुंडरदेही थाना पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है। चार जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, बहुत ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, एक दिन का अंतराल है और इसको लेकर तैयारियां भी तेज़ हैं। राजनांदगांव में काउंटिंग को लेकर रिहर्सल की गई है। इस हाई प्रोफाइल सीट पर सबकी नज़र टिकी हुई है। कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल चुनाव के मैदान में हैं, जबकि BJP की तरफ से संतोष पांडे फिर से मैदान में हैं। दुर्ग में भी मतगणना को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हैं। जांजगीर चांपा में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। जांजगीर चांपा जिले के 3 विधानसभाओं की मतगणना शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होनी है, जिसको लेकर 3 रूम में अलग अलग 14 टेबल लगाई हुई है। 14 टेबल में 16 से 18 राउंड में गिनती होगी। सूरजपुर में नए ITI भवन में मतगणना रखी गई है। कोंडागांव में गुंडाधुर कॉलेज में वोटों की गिनती होगी। सभी जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। और वहीं काउंटिंग के दिन के लिए छत्तीसगढ़ BJP का एक्शन प्लान तैयार है। मंत्रियों को अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का प्रभार सौंप दिया गया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जो हैं उनको राजनांदगांव का प्रभार, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट है इसलिए उनको बड़ी सीट की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा बिलासपुर लोकसभा की कमान उप मुख्यमंत्री अरुण साव को सौंपी गई है। मंत्री रामविचार नेताम को भी जिम्मेदारी दी गई है, वो सरगुजा सीट पर नजर रखेंगे। केदार कश्यप बस्तर सीट की कमान संभालेंगे तो टंकराम वर्मा को दुर्ग लोकसभा सीट का प्रभार मिला है। रायगढ़ सीट की बात करें तो मतगणना पर नजर रखने के लिए OP चौधरी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। रायपुर लोकसभा क्षेत्र में सांसद सुनील सोनी नजर रखने का काम करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि केवल BJP की तरफ से तैयारी की जा रही है, सरकार के मंत्री ही तैनात रहेंगे। कांग्रेस भी मतगणना की तैयारी में जुटी हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी प्रत्याशियों के साथ वर्चुअल बैठक की है। शिव डहरिया ने बताया कि काउंटिंग को लेकर दिशा निर्देश पार्टी की तरफ से आए हैं। डहरिया ने बताया कि खड़गे ने कहा कि एग्जिट पोल को लेकर कार्यकर्ता हतोत्साहित नहीं हो, जीत जरूर होगी।
आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे देश के सभी कांग्रेस प्रत्याशियों की मीटिंग ली गई, जिसमें हमारे सभी लोगों ने चर्चा किया और पूरे देश के हमारे प्रदेश के अध्यक्षगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण और सारे बड़े लीडर भी उसमें शामिल हुए। और ये जो एग्जिट पोल आया है वो एग्जिट होने वाले जो 4 तारीख को लोग हैं उन लोगों से प्रभावित होकर एग्जिट पोल आया है, और निश्चित रूप से 4 तारीख को वास्तविक रिजल्ट आएगा जिसमें इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और प्रत्याशियों को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, ऐसा हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है। और एग्जिट पोल पर कांग्रेस की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे थे, इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का चरित्र ही यही रहा है, जब इच्छा के विपरीत काम नहीं होता तो संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाए जाते हैं। संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, न्यायालय के निर्णय को मानने से इनकार करते हैं, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हैं, और अब तो एग्जिट पोल के लिए वो जो कह रहे हैं कि मैनेज किया हुआ है, टीआरपी के लिए है, तो ये कांग्रेस की आदत रही है और एग्जिट पोल के से अपने आप को दूर रखने का काम किया। आप किससे किससे दूर रखेंगे अपने आप को? आपको तो जनता ने ही अपने से दूर भगा दिया है, दूर कर लिया है आपके कामों के कारण, आपके कुकर्मों के कारण। और इसलिए 4 जून को जब परिणाम आएगा तो देखेंगे कि आपको जनता ने अपने से दूर कर दिया है। और छत्तीसगढ़ के मौसम की बात कर लेते हैं तो कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया है। बस्तर में झमाझम बारिश दर्ज की गई है और बलरामपुर में भी तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। बलौदाबाजार में भी मौसम का मिजाज बदल गया, यहां भी बारिश हुई है तो कोरिया में भी तेज आंधी के बाद बारिश यहां पर दर्ज की गई। बारिश होने की वजह से तापमान में अच्छी गिरावट देखने को मिली है और ख़ास तौर पर ये इलाके जो हैं यहाँ पर तापमान लगातार चढ़ता ही जा रहा था और ये छत्तीसगढ़ के लोग ये भी कहते हुए नज़र आए थे कि ऐसी गर्मी पहले कभी नहीं देखी, तो लोगों को गर्मी और उमस से राहत ज़रूर मिली है। आसपास के ज़िले जो हैं वहाँ पर भी जाहिर सी बात है कि ये बारिश होने की वजह से वहाँ का भी टेम्परेचर जो है वो कुछ ना कुछ कम हुआ है, तो लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत ज़रूर मिली।